नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। फिलहाल अभी की सबसे बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, जो बच्चे स्कूल में जाते हैं ये अपडेट उनके लिए है और ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप लोग सबसे ज्यादा जो है शेयर कर दीजिए, उसके बाद आप लोगों के साथ जुड़ते हैं और बताते हैं कि आज की आखिरकार अपडेट है क्या। तो ये अपडेट है स्कूल को लेकर के। पहले 9वीं से 12वीं तक की जो कक्षाएं है वो लगा दी गई थी और उसके बाद 6ठी से लेकर के 8वीं तक की कक्षाएं जो है कोविड प्रोटोकॉल के तहत लगा दी गई थी। लेकिन अब छोटे बच्चों के लिए, जूनियर बच्चों के लिए भी स्कूल खुलने जा रहे हैं और स्कूल के अंदर हाजिरी लगाना कंपलसरी कर दिया गया है। ये आपको बता देते हैं कि स्कूल कौन से खुल रहे हैं। तो स्कूल खुल रहे हैं 1 सितंबर से 4थी और 5वीं कक्षा के लिए और ये स्कूल 3 दिन ऑनलाइन रहेंगे और 3 दिन ऑफलाइन रहेंगे। यानी कि कक्षाएं जो है आप लोगों को लगाना बेहद जरूरी है और ये निर्देश जो है हरियाणा सरकार ने दे दिया है। अगर आप लोग स्कूल के बच्चे जो है कक्षाएं नहीं लगाते हैं तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही कक्षाएं लगाई जा रही है। पहले जो है कक्षाएं लग नहीं रही थी, हालांकि ऑफलाइन कक्षाएं बच्चों के लिए लगाई जा रही थी, लेकिन कई पेरेंट्स की भी डिमांड आई है, बच्चों की भी डिमांड आई है कि कक्षाएं जो है ऑनलाइन लगाई जाए। इसी को लेकर के सरकार ने अब 4थी से 5वीं के विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं 3 दिन ऑनलाइन और 3 दिन ऑफलाइन लगाने का जो है आदेश पास कर दिया है। स्कूलों में कोविड SOP के अनुसार ही लगेंगी कक्षाएं और जिले में 4थी और 5वीं के बच्चों की संख्या 27,000 के लगभग बताई जा रही है। जिन निजी स्कूलों में अभिभावक बच्चों को ऑफलाइन कक्षाओं के लिए स्कूल भेजने को तैयार नहीं है, वो सप्ताह में 3 दिन ऑनलाइन और 3 दिन ऑफलाइन कक्षाएं लगा सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं 6 दिन के लिए लगने वाली हैं, लेकिन अगर अभिभावक नहीं भेजना चाहते हैं तो वो 3 दिन ऑनलाइन कक्षा अपने बच्चों की लगा सकते हैं। इसके साथ ही स्कूलों की ओर से अभिभावकों को सहमति भी देनी होगी। गूगल फॉर्म के ऊपर एक जो फॉर्म है वो भर करके भेजना होगा, इसमें विद्यार्थियों की स्कूलों में उपस्थिति के बारे में अवगत भी कराना होगा। और नियम क्या रहेंगे इसके बारे में आपको बता देते हैं कि कक्षा में बैठने की क्षमता जो है वो बच्चों के अनुसार रहेगी। मान लीजिए अगर कक्षा के अंदर 50 बच्चे हैं तो 25 बच्चे ही जो है कक्षा लगा सकते हैं, यानी कि 50% के साथ ही बच्चे अब स्कूल के अंदर आ सकते हैं। इसके बाद कक्षा में प्रवेश और निकास द्वार अलग अलग होंगे, एक डेस्क के ऊपर एक ही बच्चा बैठेगा। स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन नहीं मिलेगा, पानी की बोतल भी बच्चों को साथ ही लेकर के आनी होगी। ये जो है कुछ नए नियम सरकार की तरफ से गाइडलाइंस के अंदर जारी किए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, हालांकि आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट से रूबरू करवाते रहेंगे। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज ब्यूरो हिसार।